हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो चलो लेके चलता हूँ आपको एक बड़ी खूबसूरत जगह, मदरलैंड ऑफ मोन्यूमेंट। काफ़ी वीडियो में बोला था आपको कि वहाँ लेके जाऊँगा, सो आज फाइनली टाइम मिला है मुझे, तो चलो लेके चलता हूँ। यार ये देखो मुझे क्या देखने को मिला, कितना ब्यूटीफुल गाँव है, कोई छोटा सा। यार क्या ब्यूटीफुल गाँव है, ये देखो हमारे गाँव की तरह, इंडिया के गाँव की तरह। गायें भी बंधी पड़ी हैं और ये पराली का वो भी बनाया हुआ है इन्होंने, क्या बोलते हैं इसको, तंबू तंबू, और मुर्गियां वगैरह भी रखी हुई हैं। वाह व्हाट ए प्लेस। हेलो, मुर्गियां वगैरह भी रखी हुई हैं यार इन्होंने तो, नाइस प्लेस। ये रेस्टोरेंट है एक्चुअली कोई, सो बड़ा ब्यूटीफुल है, सूअर भी बांधे हुए हैं इन्होंने तो। यार वाह, बड़ा कोजी सा रेस्टोरेंट है यार, एक तो छोटू सा, अंदर ही अंदर से गुफा सी बनाई हुई है, गुफा के अंदर से ये रेस्टोरेंट है। और ये देखो क्या ब्यूटीफुल प्लेस है, वाह नाइस, लड़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। सो फाइनली मैं मदरलैंड स्टैचू के पास पहुंच गया हूँ। देखते हैं यार ये बंद ना हो गया हो, क्योंकि 7 बजे का टाइम था बंद होने का। देखते हैं मुझे एंट्री मिलती है कि नहीं, ऐसा दिखता है दूर से तो थोड़ा। आगे जाते हैं, कुछ ऐसी लोकेशन है यार, और जाने का रास्ता ये है, यहाँ से जा सकते हो। इससे पहले यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट हुआ करता था, जिसकी मैंने एक बारी वीडियो भी दिखाई है आपको, वो पहले यहाँ हुआ करता था, सो अब चला गया, तो यहाँ से ऊपर जाना है। मैं पहुँच गया हूँ स्टैचू ऑफ मदरलैंड, बड़े टाइम से इंतजार करवाया इसने, टाइम ही नहीं मिलता था यार यहाँ आने का, सो फाइनली थक हार के मैं पहुँच गया हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये तलवार, और ये जो उसके हाथ में जो प्रोटेक्ट करने के लिए वो रखा हुआ उसने, उसको पहले गोल्डन कलर का कर रहे थे, ये गोल्डन कलर में करते तो अच्छा लगता है ना, बट इनकी कोई थी पार्लियामेंट में, फिर उन्होंने रद्द कर दिया कि नहीं गोल्डन नहीं करना, सारा सिल्वर ही करना है। तो मैंने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी थी इसकी, सो ये है भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा है। ये सामने आप देख सकते हो टैंक वगैरह भी बड़े हैं, यहाँ पे टैंक भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है थोड़ी देर में, पहले ऊपर चलते हैं। वो सामने देखो वो भी वहाँ बनाओ यार, इसके 2-3 रास्ते थे यार, ये मेन रास्ता तो ये है, यहाँ से आना था मुझे, बट मैं यहाँ से आ रहा था, सो मुझे लोकेशन वाला बार बार यहाँ से दिखा रहा था कि यहाँ से आओ यहाँ से आओ, तो फिर मैं इधर से ही आया। तो चलो अभी मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको। ओ वाह यार कितनी बड़ी हुआ है स्टैचू, ये इलाका तो बहुत ही खूबसूरत है यार, ये देखो वहाँ दूर दूर तक है जाने का, चाहते हैं वहाँ तक भी लेके चलता हूँ आप लोगों को। हाँ तो मुझे बहुत पहले आना चाहिए था यार, यहाँ मैं लेट हो गया आने से, चलो कोई बात नहीं, देर आई सवेर आई। यार वैसे ऐसे देखने से तो ऐसे लगता है कि पूरा मुंबई है जैसे, ये है ना कि देखो चारों तरफ बिल्डिंगें आपको दिखेंगी, मुंबई की फीलिंग आती है। जब मैं मुंबई गया था तो मुझे सेम यही फीलिंग आई थी, चारों तरफ यार वहाँ पे भी बिल्डिंग्स है, ऐसी ही सेम बिल्डिंग है, मीन्स कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है कोई ज़्यादा छोटी नहीं है, एक साइज की बनाई हुई है सब ने बिल्डिंग्स, ये भी वही है सेम मुंबई। समुंदर भी है वहाँ पे आसपास, सो वही सेम पानी, समुंदर के पास बिल्डिंगें, वो आप देख सकते हो कितनी पानी पानी है वहाँ पे, वो देखो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे पानी और पानी, और ये सीधा बिल्डिंगें, ये खूबसूरत नज़ारा आपको यहीं से दिखेगा। इस मोन्यूमेंट की जो हाइट है ना वो पूरी, सो ऊपर तक आप देख रहे हो, वो हाइट है 203 फिट, और अगर जो आप नीचे से मानो, नीचे से मीन सब कहाँ से बोल रहे हैं ये समझ नहीं आई, बोल रहे थे कि 335 फुट है अगर जो टोटल आप देखोगे, तो काफ़ी बड़ी है यार, कहते हैं यूक्रेन की सबसे बड़ा स्टैचू है ये यहाँ पे, सो काफ़ी खूबसूरत है। और ये देखो लोकेशन भी बड़ी प्यारी है, ये यार ये देखो, ये ना World War II का जो इन्होंने यहाँ पे ये म्यूजियम भी बनाया हुआ है कि ये नीचे, इस टाइम तो ये बंद हो चुका है, ठीक है ये इस टाइम बंद हो चुका है, ये 7 बजे तक खुला रहता है, बट यार म्यूजियम वगैरह में क्या जाएंगे, मैंने पहले भी काफ़ी म्यूजियम की वीडियो डाली हुई है, सो अंदर वो थोड़ा सामान वगैरह रखा होता है World War II का, तो वो और यहाँ पे ये स्टैचू वगैरह भी बनाए हुए हैं आर्मी वालों के जिन्होंने लड़ाई की थी। आपको टैंक्स वगैरह दिखाता हूँ, ठीक है
टैंक ये वर्ल्ड वॉर टू में यूज हुए थे, ये वही टैंक है ओरिजिनल। ये इन्होंने अपने झंडे का बनाया हुआ, इधर नीचे येलो ऊपर ब्लू। इनके झंडे का भी मतलब पता है आपको क्या है? नीचे येलो मीन्स जो वीट होती है ना, कनक, वो यहाँ पे बहुत होती है ना, और ये ऊपर ब्लू है, जो ब्लू ब्लू कलर का मतलब है आसमान। जब आप इनकी कनक की वो देखोगे ना, तो सेम झंडा ही बनता है। तो इन्होंने उसी से इंस्पायर होके ये अपने झंडे का ऐसा जो है लुक दिया है। यार ये टैंक होते तो बड़े खतरनाक है यार, है इनकी चैन देखो, चैन कितनी पावर चाहिए होती होगी यार इसको चलाने के लिए। जैसे हम नॉर्मल साइकिल या फिर बाइक वगैरह ऐसे घुमा देते हैं टायर टूर, तो उनके तो यार ये मीन्स इसकी तो ये चैन भी नहीं हिल रही है यार, ये देखो तो कितनी इसको पावर चाहिए होगी, है ना, कितनी पावर की ये चल सके और हर जगह यहाँ पे काम आ सके। कितनी मुश्किल से ये चीज बनाई होगी इन्होंने, चैन वगैरह देखो अद्भुत है यार ये चीजें। और पीछे मोन्यूमेंट देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। सो ये उसी की याद में ये मोन्यूमेंट भी बनाया गया था वर्ल्ड वॉर टू की विक्ट्री पे। ये तीन टैंक रखे हुए हैं यहाँ पे इन्होंने, ये टैंक काम आते हैं यार अगर जो वॉर वॉर होती है तो, ये पानी में वगैरह में हर जगह चल जाते हैं। बच्चे तो ऊपर चढ़ रहे हैं भैया, चलो इसके ऊपर चढ़ा चढ़ के देखते हैं हम भी कैसा सिस्टम है ये। ठीक है ऊपर जाके देखते हैं, भी चढ़ चुके हैं भैया। ठीक है, ओ वाह, कुछ ऐसी सिस्टम लगाए होते हैं यार इन्होंने टैंक। तो किसी को भी ठोकना है बताओ किसको ठोकना है। ये हम चढ़ चुके हैं बिल्कुल ऊपर, इसके अंदर से जाते होंगे यार बंदे। ये कुछ सनी देओल वाली फिल्म याद आ रही है बॉर्डर मुझे तो, ये ऐसे करके चढ़ते हैं यार। वाह भाई इतनी टेक्नोलॉजी यार, इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई इनके पास यार। ये देखो छोटे छोटे औजार भी लगाए हुए हैं हर जगह, और इतना पावरफुल कोई चीज बनानी आसान बात नहीं है यार बंदा। हम एक छोटी सी सुई तो सोचते हैं कैसे बनी होगी ये सोचो यार, ये कैसे ना तगड़े तरीके से एक एक चीज इन्होंने मॉडल मशीन ने चीज क्या चीज बना के रख दिया। उस बहुत पहले बना दी थी ये चीजें, तो अभी तो मॉडर्न जमाना है, हम मोबाइल का सोचते हैं यार। ये देखो हाँ कितनी टेक्नोलॉजी इसमें लगी होगी, कितना दिमाग लगा हुआ है बनाने में। ओसम यार ओसम, इंस्पायर्ड करता है ये चीजें यार। मींस वॉर, लव और वॉर में कुछ भी चल सकता है, सब कुछ मुमकिन है। इन्होंने सारी जान थोप दी होगी ये टैंक वैंक बनाने में। चलो चलते हैं आगे दिखाता हूँ मैं आपको। यार मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपको एक बहुत बड़ी और चीज दिखाता हूँ सामने। ठीक है सबसे पहले तो ये देखो इनका झंडा कितना ऊंचा लगाया हुआ है पार्क के अंदर, बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस है यार, इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ सारा चीज। ये जी चेक करो आप यार, कितने बड़े बड़े टैंक और कितना सामान रखा हुआ यार फाइट के लिए। वो ट्रेन की पटरी में चलता है, देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं हमें, शायद बंद हो चुका है इसलिए जाने नहीं देंगे। सो बाहर से तो देख सकते हैं शायद हम। वो भाई एयरक्राफ्ट वगैरह भी रखे हुए हैं, सीरियसली यार बड़े ब्यूटीफुल, क्या टेक्नोलॉजी है, कितने तरह के एयरक्राफ्ट वगैरह रखे हुए हैं यार, क्या क्या सामान रखा हुआ है इन्होंने यार। एयरक्राफ्ट वगैरह भी हैं और कितनी तरह के टैंक्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह ये भी है, बट अभी ये बंद हो चुका है यार, अभी अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाने की भी टिकट वगैरह लगती होगी, वहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज्ड। ठीक है जा सी नहीं वो, सो फिर कभी आएंगे। बट ये मैंने आपको पोल्टावा साइड में दिखाई दिया है, पोल्टावा साइड में आप देख सकते हो ऐसा ही है कुछ, वहाँ पे भी वहाँ पे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वगैरह रखे हुए हैं। तो आप भी आओ तो यहाँ पे थोड़ा 7 बजे से पहले आना, तो आपको ये सारा सामान देखने को मिल जाएगा। ये देखो यार वर्ल्ड वॉर टू में ऐसे ऐसे इन्होंने टैंक वगैरह ये ट्रक वगैरह बना दिए थे देखो ये आर्मी वालों के लिए, और ये एयरक्राफ्ट सारा यूज हुआ था ये है उस टाइम वर्ल्ड वॉर टू में। छोटे 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 से छोटे टैंक भी बनाए हुए हैं यार इन्होंने, मिनी मिनी मी टैंक। चलो आपको बाहर से दिखा देते हैं और चीजें। ये यहाँ पे ये देखो क्या मस्त व्यू है यार, सारी चीजें देख सकते हो। वो पीछे वो रखे हुए हैं एयरक्राफ्ट बड़े, व्हाइट वाला भी
मेरे को तो सबसे पसंद आया ये आपका, उसमें भी चलता है यार, ये रेलवे की ट्रैक होता है ना, उसमें चलाते हैं, दोनों तरफ ये बरसा सकता है गोले। ये देखो यार, टैंक पड़े हुए हैं कितने, यार कितना सामान यूज हुआ था है उस वर्ल्ड वॉर 2 में। आप हर इसकी सिटी में देखोगे ना, बड़ी सिटी में खारकीव हो गया या पोल्टावा हो गया, आपको इतना वॉर का सामान मिलेगा, टैंक्स वगैरह। और इन्होंने ना देखो, वो वर्ल्ड वॉर 2 के विन होने के बाद, मीन्स वो यूज ही नहीं किया उसके बाद, ऐसे ही यहाँ पे ये म्यूजियम में रख दिया। अभी देखो ये मीन्स, या तो यार ये अब काम नहीं करते होंगे, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये काम नहीं करते, काम तो कर सकते हैं, बट इनकी रिपेयर वगैरह करने के बाद, उसके बाद से देख लो 1942 के बाद से, 1945 शायद, उसके बाद से इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ सारा सामान, और सब कुछ अभी भी ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल है सारा। ये ट्रक देखो, ये वैसे यार ये सामान सारा मिल गया ना किसी को तो बहुत से लोग परचेज भी कर लेंगे, भी वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था, सो ये परचेज कर सकते हैं मे भी। ये हेलीकॉप्टर है यार, ये देखो यहाँ पे ये बरसाता है, यहाँ से गोलियाँ गोलियाँ बरसाता है फुल, तभी ये कोई वॉर विन होती है यार। यार इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरी भाई लड़ाई है तो वो फुल तगड़ी लड़ाई है यार, कितने लोग मरे होंगे है ना, कितने लोगों ने क्या सोचा कि आगे जीना है, फ्यूचर क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेगा कोई भी, बहुत यार बहुत नुकसान हुआ होगा। सो चलो यार, मेरा आज का सफर यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जाते हैं कहीं और, तब तक के लिए बाय बाय, दो बाबा चीनिया, और नेक्स्ट वीडियो का भी नज़ारा देखना ठीक है, ऐसी ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा यार आपके लिए, टेंशन नहीं है।